अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको आज विज़िट करवाऊंगी शारह हिजरा का, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि शारह हिजरा का भी आप विज़िट करवाएँ, इधर के होटल, रेस्टोरेंट, ईच एंड एवरी थिंग जो भी वहाँ पर है। तो इस टाइम मैं हरम पहुँच चुकी हूँ। तो मैं हरम पहुँच चुकी हूँ, मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी हरम से हम दूर हैं, क्योंकि सामने आप मेरे देख सकते हैं, सामने आपको मुश्किलों को भी नज़र आ रही है। तो पहुँचने की नमाज निकल जानी थी, तो मेरी बैक में एक मस्जिद है यहाँ पे, औरतों के लिए नमाज की जगह नहीं, मर्दों के लिए नमाज की जगह है। तो मेरे हस्बैंड अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, इस टाइम अभी बाइक खड़ी वेट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको शारह हिजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको शारह हिजरा का आज टूर करवाऊँगी, और आज मौसम बहुत अच्छा है, बिजली चमक रही है और बादल आए हैं, ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और जो है हल्की हल्की जो है वो बारिश पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी कन्नियाँ पड़ रही हैं। तो आज मक्का का मौसम बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं होंगे। तो अभी हम शारह हिजरा की तरफ जाते हैं, मैं आपको उसकी लोकेशन भी समझाती हूँ और सारा कुछ आपको ईच एंड एवरी थिंग उसकी बताऊँगी, वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, होटल के किस तरह के हैं, सारा कुछ। तो मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए मेरे सामने ही आपको मुश्किलों को भी नज़र आ रही है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और इधर से ये जो सामने आपको रोड जाती नज़र आ रही है, ये बन खलील रोड है। इधर से थोड़ा सा जो इधर है ये शारह हिजरा है। यहाँ से मैं आपको मिसला कुबी की साइड से आपको अभी लोकेशन समझा रही हूँ। मैं हरम से भी आपको उसकी लोकेशन समझाऊंगी कि आप हरम वाली साइड से आएँ तो शारह हिजरा किधर को है, तो किधर से आती है, किधर को है। और अभी हम चलते हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और मैं आपको यहाँ से विज़िट करवाती हूँ। तो चलते हैं जी। ये देखिए जी, ये सामने यहाँ पे इब्राहिम खलील रोड है, और ये जो सामने रोड जा रही है ये शारह हिजरा रोड है। तो जी हिजरा रोड पर मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरे पीछे जो है आप कुबरी देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह कुबरी। तो यहाँ से हम हिजरा रोड चलते हैं और आपको यहाँ की टूर करवाते हैं। यहाँ पे शॉप्स भी हैं, होटल्स भी हैं, इब्राहिम खलील रोड के साथ ही ये रोड है। तो इब्राहिम खलील रोड पे तो काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, सूखी रोड है और बारिश भी नहीं हो रही है अलबत्ता। हाँ, बिजली ज़रूर चमक रही है, तो हालांकि रोड बिल्कुल दोनों साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इब्राहिम खलील रोड की तरह ही शॉप्स हैं, ये भी स्टार्ट है यहाँ पे, वो ज़रा आपको खाली खाली लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे मैं आपको इब्राहिम हिजरा रोड की जो है वरोनिका मैं आपको दिखाती हूँ। जी आपको साइड पर जो है शॉप्स नज़र आ रही हैं, तो ये अबाई वाली शॉप्स हैं, जूतों की दुकानें हैं, और यहाँ के इसी तरह दुकानें हैं। यहाँ पे आपको सामने मदम भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे पंजाब का पाकिस्तानी होटल है खाना वगैरह के लिए। तो और इसी तरह होटल्स हैं, अभी जैसे कि जो है उमरा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर अभी स्टार्ट हो रहा है इस साइड का, तो इतना रश नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे काम हो रहा है जिसकी वजह से शोर है। और सामने बता रही थी होटल्स का, तो इतना रश नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि होटल्स जो हैं वो इतने मतलब लाइट्स वगैरह नहीं ऑन है, तो इटवीन के लोग इतने नहीं हैं यहाँ पे, तो अभी होटल्स खाली हैं। तो अभी आपको थोड़ा उमरा भी सस्ता मिल जाएगा, होटल्स भी सस्ते मिल जाएंगे, रेट थोड़ा कम होगा। ये देखें शॉप्स हैं यहाँ पे, उसी तरह जिस टाइम पे हम खलील रोड पे गिफ्ट शॉप्स हैं, मोस्टली शॉप्स भी बंद हैं, वो सामने काम हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी शोर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको वही पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। ये भी इब्राहिम खलील रोड की तरह का एक रोड है, और ये जो आपको सारी लोग वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे मगरिब की बात नमाज के बाद के सारे मनाजिर हैं। तो देखें यहाँ पे आपको ये शॉप्स मिल जाएंगी, हर तरह की शॉप्स, ये जूस शॉप है सामने, और ये सामने एक होटल है काफ़ी बड़ा, हर तरह का होटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें ये दोरेआल शॉप है, किसी दिन मैं आपको दोरेआल तीनरेआल शॉप का भी जो है वो टूर में करवाऊंगी आपको, कि उधर किस तरह की क्वालिटी की, किस तरह की क्या चीज़, क्या क्या कुछ मिलता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये देखें ये सामने गोल्ड की शॉप है, और ये सामने जो है बकाला है, ये होटल है, पाकिस्तानी होटल है। पीछे बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह के बताया कि काम हो रहा था, तो शोर बहुत था, तो मैंने उधर थोड़ी वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि अगर मैं बनाती थी तो वो शोर ही आता था, इसलिए आगे आके मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट कर ली है। ये भी टूरियल शॉप है,
और ये गोल्ड की शॉप है। अच्छा मोस्टली अभी शॉप्स जो है ना वो बंद है, इवन खलील रोड वाली रौनक इधर नहीं है जितनी मशहूर और मशहूर और क्या कहते हैं उसको चलती हुई रोड इब्राहिम खलील रोड होते हैं नहीं है अभी। ये देखें ये लोग नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं हरम से, ये नमाज के मगरिब के बाद के नमाज के मनाजिर हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही ठंडी ठंडी। होटल ये देखना आपको भी बता देती हूँ कि इस तरह अभी जो है प्रॉपर उमरा सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको 150 रियाल से एक रात कमरा जो है वो मिल जाएगा। तो अगर तो आप यहाँ पे हैं सऊदीया में ही कहीं से आ रहे हैं तो आपको ये 150 से स्टार्ट होगा एक नॉर्मल होटल का जो एक रात का है किराया। और अगर आप कहीं पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आ रहे हैं तो आप अपने एजेंट के थ्रू होटल जो है वो बुक करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये खजूरों की दुकान है और ये सारे मगरिब की नमाज के बाद के मनाजिर है माशाल्लाह। लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबका आना सबकी नमाजें सबकी दुआएं सब कुछ कबूल फरमाए। अच्छा अब मैं आपको ये तकरीबन मैं हरम के करीब पहुंच चुकी हूँ, मैं आपको यहाँ से इसकी लोकेशन समझाती हूँ कि आपने हरम से हिजरा रोड किस तरफ है। देख सकते हैं इधर भी उसी तरह जैसे कि मैंने बताया पहले बताया इब्राहिम खलील रोड की तरह ही है शॉप्स वगैरह। और ये सामने आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा है, ये देखते हैं ये भी 2-2 रियाल शॉप्स हैं। अच्छा जी तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ, ये देखें आपको सामने जो है क्लॉक टावर नजर आ रहा है। ये सामने जो रोड है ये हरम से निकल रहा है वो सामने शिरका मक्का है और इस साइड पर अगर आप मेरे देखेंगे तो ये साइड पर स्टार्ट की बैक साइड पर जो है वो इब्राहिम खलील रोड है और ये जो मेरे आपके सामने नज़र आ रहा है ये सारा ये कबूतर चौक है। तो कबूतर चौक के साथ ही आपको ये शारा हिजरा रोड है, ठीक है। तो ये ऊपर भी और शाम बैक साइड पे भी होटल्स हैं और ये मेन रोड दिखाई है तो बैक साइड पर भी होटल हैं वो ज़्यादा मतलब थोड़े सस्ते आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक होटल का रेट होगा वो मोस्टली सारे होटल्स का वही रेट होता है जो इस तरह के होटल्स है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ सामने देखें आपको कबूतर चौक नज़र आ रहा है, कबूतर चौक से ये सारा हिजरा रोड है। और अगर आप हरम की तरफ मुँह करके खड़े हों तो आपकी जो है लेफ्ट साइड पे इब्राहिम खलील रोड है, यहाँ से हम इब्राहिम खलील रोड जाएंगे और उधर से फिर हम हरम जाएंगे। और वो सामने जो है वो आपको इब्राहिम खलील रोड नज़र आ रही है। इब्राहिम खलील रोड से और कबूतर चौक से आप अगर हरम की साइड से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड ही मुड़ना है, तो आपको जो होगा वो हिजरा रोड की तरफ आप आ जाएंगे। देखिए सामने इब्राहिम खलील रोड की माशाल्लाह रौनकें ज़्यादा हैं हिजरा रोड से और ये वैसे ही नमाज के बाद के मनाजिर हैं, मगरिब की नमाज हुई है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। और ये इब्राहिम खलील रोड है और इब्राहिम खलील रोड के उस तरफ वो जो आपको क्रॉस बटन है उसके उस तरफ जो है वो शारा हिजरा रोड है। तो यही था शारा हिजरा रोड के मतलब। तो जी हिजरा रोड के बारे में इतना ही था, अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। हरम जाके मैं आपको हरम की भी रौनकें दिखाती हूँ। और अभी मैं इब्राहिम खलील रोड पर हूँ तो ये साथ ही जैसे मैंने पैक कबूतर चौक है तो अभी हम हरम की तरफ जाते हैं जा रहे हैं हम बल्कि, और हरम की मैं आपको रौनकें यहाँ पर जाकर दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरफ भी उसी तरह शॉप्स हैं और इधर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। इब्राहिम खलील रोड की रौनकें माशाल्लाह, बारिश रुक गई है लेकिन बिजली चमक रही है कभी कभी और आसमान पर थोड़े बहुत बादल भी हैं अभी। तो जैसे कि पहले बताया हम जा रहे हैं हरम की तरफ, हरम की जाके मैं आपको रौनकें दिखाती हूँ। ये देखिए जी मोस्टली हम हरम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सामने शिरका मक्का नज़र आ रहा है और यहाँ पे आके रश काफ़ी हो गया माशाल्लाह, काफ़ी हाजी आ चुके हैं यहाँ पे आके पता लगा, लेकिन पीछे तो अभी इतना रश नहीं था। तो यहाँ पे सामने हरम के मीनार शिरका मक्का के पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये सारा जो है जब ये उमर प्रोजेक्ट है वहाँ से वो वहाँ एंड तक। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी तो आगे चलते हैं हरम के अंदर और वहाँ पे देखते हैं। अभी तो ईशा की नमाज में काफ़ी वक्त पड़ा है, तकरीबन 1 घंटा पड़ा है ईशा की नमाज में, तो वहाँ पे जाकर बैठते हैं। और बस ये देखिए जी मैं हरम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहुँच चुकी हूँ और सामने आपको रश नज़र आ रहा होगा, ये 6-7 वॉशरूम वाली साइड है।
7 वॉशरूम लेडीज का है और 6 वॉशरूम जो है वो जेंट्स का है। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह माशाल्लाह तो उनके देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाजी माशाल्लाह आ चुके हैं। और अभी मैं आपको अंदर सहन में एंटर होती हूँ तो मैं दिखाती हूँ ये साइड पे देखा शेर का मका के नीचे जो है वो शॉप्स हैं। और नमाज के बाद ये अपने स्टॉल जो है वो पानी लगाने लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि कहाँ केक है। यहाँ से वो उम्रे के लिए आप मुझे मिताफ में जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बोलने के देखें आप। देखा जी सेम है मैं एंटर हो चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी ईशा की नमाज में टाइम है तो हम यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे और फिर ईशा की नमाज पढ़ के हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने आज आपको करवाना था शारा हिजरा का टूर और मैंने आपको शादी कराई है हरम की रौनक माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।